कोलकाता रेप मर्डर केस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को गुरुवार तक इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को कही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स भी बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट में कोलकाता रेप मर्डर मामले में लगातार सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, चीफ जस्टिस का कहना है कि यह मामला बेहद गंभीर है, पीड़िता के साथ जानवरों जैसा कृत्य किया गया है। यह सरकारी वकील ने दलील दी है कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इस घटना को प्रिंसिपल ने प्रथम दृष्टया खुदकुशी क्यों बताया, एफआईआर देर से क्यों हुई, 8:30 बजे बॉडी सौंपी गई परिजनों को लेकिन फिर भी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा एफआईआर नहीं कराया गया और एफआईआर पिता के द्वारा क्यों कराया गया, बहुत से सवालों को उठा रही है सुप्रीम कोर्ट। साथ ही साथ डॉक्टरों को भी कहा है कि आप वापस काम पर लौट आइए, हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपकी सुरक्षा का ख्याल रखें, मरीजों को बहुत परेशानी हो रही है। तमाम सवाल उठा रही है सुप्रीम कोर्ट, तक टिप्पणियां कर रही है। मेरे सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं, दिल्ली से अमृत तिवारी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सीधे दिल्ली का रुख करते हैं। अमृत, बहुत तल टिप्पणियां की हैं सुप्रीम कोर्ट ने, साथ ही साथ सीबीआई को कहा है कि गुरुवार तक स्टेटस रिपोर्ट दीजिए, लेकिन पहला सवाल यही होगा, इस बारे में बताइए क्योंकि एफआईआर को लेकर बहुत स्पष्ट तरीके से सवाल पूछा है कि एफआईआर लेट से क्यों हुई और एफआईआर में इस चीज का जिक्र क्यों नहीं था कि इतनी विभत्स घटना हुई है, मर्डर हुआ है। देखिए, भारत सुप्रीम कोर्ट में जो है इस मामले में कार्रवाई जो है वो चल रही है। आपको बता दें कि जैसा कि आप बता रहे हैं एफआईआर को लेकर कहीं न सिर्फ बल्कि जो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है उसको लेकर के जो चीफ जस्टिस ने सवाल खड़े किए हैं और उनसे ये पूछा है कि जब मामला दर्ज करने में देरी छोड़िए, जिस तरह से इस पूरे मामले को पुलिस ने हैंडल किया, जिस तरह से पीड़िता के जो है नाम को उजागर किया गया, मीडिया में सर्कुलेट हुए फोटोग्राफ, वो बेहद ही चिंताजनक है और इस घटना ने देश की आत्मा को झकझोर के रख दिया है। उनकी टिप्पणियां बड़ी ही सख्त रही हैं और बड़ी ही अगर देखा जाए तो उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं जो व्यवस्था है उसकी कुल पूरी खामियों को जो है कटघरे में खड़ा किया और उन्होंने ये बात के डायरेक्शन एक तरह से था, उस पर टिप्पणी बड़ी गंभीर रही कि देखिए जो भी व्यवस्था अभी तक की गई है, जो भी इंतजाम किए गए हैं वो सही तरीके से नहीं है और इसीलिए उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही है जिसमें डॉक्टरों की टीम भी रहेगी। अगर मैं बता दूं कि जिन लोगों के नाम जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं उसमें सर्जन जो है वाइस एडमिरल आर के सरियन है, डॉक्टर रेड्डी है मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल गैस्ट्रोलॉजी के है, डॉक्टर एम श्रीवास हैं डायरेक्टर हैं एम्स दिल्ली के और डॉक्टर प्रतिमा मूर्ति हैं ये NIMHANS बंगलुरु से इनका ताल्लुक है। तो ये चीफ जस्टिस ने जो है एक तरह से कॉन्स्टिट्यूट की है जिसके जरिए ये रहे कि देखिए जो सीबीआई के जरिए जाँच पड़ताल हो रही है उसके ऊपर किसी का कोई शक न हो, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टरों की हड़ताल चल रही है, जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है उस पर भी जो है चीफ जस्टिस ने अपनी जो है चिंता जाहिर की और साथ ही साथ बेंच ने यह कहा कि इससे पूरे के पूरे देश में जो व्यवस्था है वो खराब है और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर एतबार रह के कि क्योंकि अभी मामला हमारे संज्ञान में है और इसकी रिपोर्टिंग हमारे तहत हो ताकि एक विश्वास बहाली का माहौल बना रहे। और इसी के मद्देनजर जो है सीबीआई से उन्होंने थर्सडे को यानी कि गुरुवार को जो है रिपोर्ट भी तलब की। इन तमाम सुनवाई में एक चीज बहुत स्पष्ट निकल कर आई है कि सुप्रीम कोर्ट की तल टिप्पणियां बंगाल सरकार पर है, बंगाल पुलिस पर है, क्योंकि जैसे आपने बताया पूरे मॉडस ऑपरेंडा में यह समझ में आ रहा था कि बहुत ढीला रखा गया इस मामले को। अब बिल्कुल उन्होंने कहा जिस 2-3 पॉइंट्स जो रखे वो बड़े ही गंभीर रखे जो एक पब्लिक डोमेन में भी उठाए जा रहे हैं कि माँ बाप को जो है 3-3.5 घंटे बाद जो है क्यों जो है इस बारे में जो है जानकारी दी गई, साथ ही साथ एफआईआर जब दर्ज किया जा रहा है तो एफआईआर दर्ज करने में मर्डर क्यों नहीं बताया गया, उसको एक पहले तो कोशिश हुई है कि सुसाइड घोषित किया जाए जो प्रिंसिपल हैं कॉलेज के और वो पूर्व प्रिंसिपल, इस पर भी सवाल उठाया कि जब वहाँ से हटाए जाते हैं दूसरी जगह उनको प्रिंसिपल क्यों बना दिया जाता है, तो इतनी मेहरबानी क्यों है आखिर में, तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो लाजमी तौर पे खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल बहुत सारे सवाल हैं और बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया इस मामले पर और बहुत तल्ख टिप्पणियां कर रही है, सुनवाई अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया अमृत।